मैं 40 रुपए 50 रुपए ले रहे कैंपर के लिए। पीना तो दूर कुछ भी नहीं कर सकते उसका, मौत से दूर रहे। पूरी तरीके से सरकार जो है वो संवेदनशील है, सतर्क है, देख रहे हैं हम लोग। और ये जो कुछ भी हुआ है इसका हम लोगों को बड़ा खेद है, क्योंकि जो JDA के द्वारा जो सड़क बन रही थी और सड़क से जो पाइप डैमेज हुई, वो जो डैमेज हुई पाइप उसी का ये हम लोगों को रिजल्ट आया। इसलिए अब सभी डिपार्टमेंट्स को इस बारे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किसी तरीके भी ये नहीं, और जो भी लापरवाही अगर डिपार्टमेंट के PhD डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा हुई कि अगर लोगों की शिकायत आई और उस शिकायत के ऊपर उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं करी तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है, शुद्ध पानी, पूरा पानी पिलाना सरकार की ड्यूटी, और सरकार के पास पूरे संसाधन है। ऐसे में जब सरकार पानी का बिल लेती है हर महीने, और बिल के बाद जब बच्ची की डेथ हो जाती है तो बच्ची के परिवार को मुआवजा देना जलदाय विभाग की ड्यूटी है। आपका पानी पीकर बच्ची मरी है और आप जो गंदा पानी पिला रहे हैं उसके बाद आप मौत के बाद मुआवजा नहीं देना चाहते, ये तय बात है। राजस्थान की सरकार जो समझ रही है कि पूरे राजस्थान में चाहे जैसे मनमानी कर लेगी, चाहे जैसे तानाशाही कर लेगी, वो चलने वाली नहीं है। सरकार अभी तक कैंपर नहीं भेजी, टैंकी का पानी जो गंदा आ रहा है। टैंकर का पानी गंदा है। पानी चाहिए, पानी नहीं सप्लाई कर रही हूँ, कह रहे हैं एक एक बाल्टी ले लो। अब हमको टैंक में पानी चाहिए, अभी तो ऊपर पानी चढ़ेगा, एक एक बाल्टी से क्या होता है। पानी की बहुत परेशानी हो रही है, लाइन काट के रख दी बिगर मतलब में, कोई लेना नहीं देना नहीं। जहाँ लीक थी वहाँ से तो खोदा नहीं उसको, और जगह जगह खोद के पटक दिया। बेचारी जनता जिनके पास सही पानी आ रहा था वो भी परेशान हो रहे। अब भी जनता है और ये भी जनता है, दोनों के हालात क्या एक से हैं। खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से, नमस्कार। सर नमस्कार, बताएं सर। सर कांग्रेस के राज्य में क्या ऐसे इस तरह का हादसे नहीं हुए? एक दो लोग मरे कांग्रेस के राज्य में भी, ये एक दूसरे पर तोहमत लगाना छोड़े। और जो ठेकेदार काम करते हैं, बीकानेर के हालात जानना चाहूंगा खालिद साहब आपसे, क्या स्थिति है? साफ पानी पीने के लिए नसीब हो पाता है? कुछ मोहल्लों में साफ पानी आ रहा है, कुछ मोहल्लों में गलत पानी आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, ये न्यूज में आती है, वो मैं भी देखता हूँ। कई मोहल्लों में मैंने खुद भी पूछा है, लेकिन ये सरकार को और जो उनके अधिकारी हैं, जो किसी भी पार्टी के नेता हैं, वो सब मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकाले जो समस्या से छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, वो रास्ता क्या हो सकता है खालिद साहब, उसी पर हम चर्चा करना चाहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मनीष पारिक साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। इलाज कई हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस मर्ज की बात की जा रही थी, लोगों को उससे कैसे राहत मिले, सवाल इस बात का है। राजस्थान के कई कोनों में आए दिन हम सुनते हैं कि दूषित पानी की सप्लाई हुई, लेकिन किसी एक शख्स की जान चली जाना भी बहुत बड़ी बात होती। यहाँ कई जानों पर आफत बनी है। बीते दिनों जामडोली से सबक नहीं लिया, लगातार सरकार कहती रही। मैं क्या समझूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सरकार का इकबाल इतना मजबूत नहीं है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे? अल्टीमेटली तो सब लोग जो ड्यूटी बाउंड हैं वो अपनी ड्यूटी करते ही हैं, और ये प्रजम्पशन भी मानना चाहिए कि सब लोग। एक मिसाल रखी थी कि रोजमर्रा का क्या काम होना चाहिए, आसोपा साहब ने। जी बिल्कुल सही बात है, जो क्लोरिफिकेशन होता है रेगुलर, उसकी जांच अगर ठीक से हो जाए तो ऐसे हादसे नहीं होंगे, इनका ही मानना है। लेकिन इसमें भी कई बातें हैं, बीच की कॉलोनियों में जो सर्विस लाइन्स जाती है, एक लाइन से दूसरी लाइन जा रहे हैं, जो मेन पानी आपका आ रहा है वो अलग बात है। और कहीं आपने खुद ने माना है टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, पानी की पाइपलाइनें बदली जानी चाहिए। जी कुछ 5 में बदलेगी, कुछ 10 बरस में और कुछ 15 बरस में, लेकिन यहाँ तब बदली जाती है जब सिस्टम एक शख्स की मौत ले लेता है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अब सड़क बन जाने के बाद में उन दोनों लाइनें जमीन के अंदर होती है, उनके हालात को जानने का कोई टेक्निक नहीं है, हो भी नहीं सकती। ऐसी दशा में रोजाना उनको जांच कर रहे जाए महीने के महीने, तो सड़कें खोदनी पड़ेगी, वो भी नहीं हो सकता। जो लीकेज पॉइंट है ये मालूम चल गया आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन, जैसा आसोपा जी बता रहे हैं, इसमें क्लोरीन कम आ गया है, तो इसका मतलब डाइल्यूजन हो गया है। ये जानने के बाद भी आपको जो खड्डे खोद के वो वॉल्व और छेद और उसकी जहाँ पर लीकेज हुआ है वो खोदने के लिए ही 70-70 खड्डे एक एक कॉलोनी में खोदने पड़ते हैं, तब जाके मालूम पड़ता है यहाँ से पानी। ये मिसमैनेजमेंट है या फिर ये कामकाज का तरीका है, मैं जानना चाहूंगा। इंद्र रोजा जी हैं बीकानेर से, नमस्कार रोजा साहब। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर। भाई साहब ऐसे मामलों में क्या होता है, मैं अगर सरकार से भाजपा की हो तो कांग्रेस की हो, होता क्या भाई साहब, जब तक कोई दुर्घटना नहीं घटती ना, तब तक ना तो प्रशासन हरकत में आता है ना सरकार हरकत में आती है। बिल्कुल। और एक्चुअली में दिक्कत ना, मनीष जी जानते हैं, रातों को साहब को पता है,
ये जो पानी का मामला बार बार आप डिबेट पे लेते हुए हो भाई साहब, हकीकत में इसका मैं मनीष जी से निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कहके या केंद्र जी से कहके सत्र सरकार में ये बात ऐसी रखे कि पूरा एक राजस्थान में अभियान चलाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि लीकेज जो जितने लीकेज जितनी लाइने टूटी हुई है, बहुत पुरानी लाइने कांग्रेस के राज में डली हुई लाइने पड़ी है, उनके लाइनों को कोई ठीक नहीं हो रहा है, जो नालों के अंदर से गुजरती है, नाली के अंदर से गुजरती है, हकीकत में उनको जब तक ठीक नहीं करेगा, और संसाधनों की मैं और कह रहा हूँ बहुत कमी है। धन्यवाद धन्यवाद ओझा साहब, बिल्कुल संसाधनों की कमी है। मैं बीएम शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा। किरण माहेश्वरी को सुन रहा था, उन्होंने पूरा दोष जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर डाल दिया कि सड़क खो दी गई और उसके कारण लाइन में ऐसा लीकेज पैदा हुआ कि हालात आज बिगड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कालूराम जी ने कहा कि जमीन के 15 फीट गहरी लाइन थी और यहाँ एक JDA के ऊपर दोष दिया जा रहा है, तो मंत्री क्या स्थिति से स्पष्ट नहीं या फिर ऐसा ही होता आया है? सड़क बनेगी तब भी लाइन टूटेगी और सड़क खुदेगी तब भी लाइन टूटेगी। इस संबंध में मैं बताऊं, एक्चुअली ये जो समस्या जो इतना विकराल रूप लिया है, इसका इसमें सुधार संभव है क्योंकि ये मैनमेड प्रॉब्लम है। मैं लगभग हर जगह ऐसी ही समस्या आती है, जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार पेयजल जो सप्लाई की लाइनें है वो टूटती रहती है। नहीं मैं बताऊं आपको, एक्चुअली क्या है, जो अपने जयपुर का अगर हम एग्जांपल लें तो जयपुर में जो हमारा सप्लाई है ये एक्चुअली 51 करोड़ लीटर की सप्लाई है पर डे की, तो उसमें से 41 करोड़ तो बिसलपुर सिस्टम का है, जो सरफेस वाटर है वो केमिकली फिट है, बिल्कुल पोटेबल है, और 10 करोड़ लीटर करीब हम यहाँ के जो ट्यूबवेल्स हैं उनसे देते हैं, वो भी यहाँ जयपुर का लकली जो पानी है उसमें केमिकल कंटामिनेशन नहीं है, पानी सही है, यानी कि वाटर इज क्वाइट सेफ, इट इज़ पोटेबल। लेकिन समस्या क्या, हमारी जो वितरण प्रणाली है उसके अंदर जगह जगह किसी एक या दो या कारणों से उसके अंदर इम्प्यूरिटीज जाती है। अगर हम इसको चेक कर लें, यही समस्या है, मैं उसी की का जिक्र कर रहा था आपसे, लाइन टूटती है और फिर लीकेज पैदा हो जाते हैं। सर मंत्री ने भी ऐसा कहा, लाइन टूटने के बजाय जो एक बड़ी समस्या है जिसका कि समाधान बिल्कुल संभव है, वो मैं उस तरफ में ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। हाँ जी, इनफैक्ट क्या है, ये जो पानी जो वाटर लाइन के अंदर जो गंदा पानी जाता है, सीवर का पानी हो चाहे नाली का पानी हो, उसका कारण डिपार्टमेंट की जो लाइन है उसकी टूट फूट नहीं है, रदर जो लाखों की संख्या में जो कनेक्शंस हो रहे हैं हर गली मोहल्ले में, जो कनेक्शंस हो रहे हैं, ये जिस पाइप से कनेक्शंस हो रहे हैं वो उसका एक स्पष्ट बड़ा एक नियम होना चाहिए कि ये जो कनेक्शन है, ये जो घरेलू कनेक्शन की जो पाइपलाइन जो डली हुई है वो बिल्कुल नियमानुसार डले और उसको रजिस्टर्ड प्लम्बर के द्वारा ही डाला जाए। पहले तो क्या था, मतलब सिस्टम में खामी है, आप मानेंगे लूपहोल्स यहां से शुरू होते हैं? नहीं, लूफॉल सिस्टम में खामी, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, पहले एक खामी तो है, इंप्रूव किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल, इसको इंप्रूव किया जा सकता है, और ये ज्यादा करके जो घरेलू जो लाइन है ना उसके, वो सर इनफैक्ट क्या होता है मैं बताऊं आपको, अभी क्या बिल्कुल आजादी हो गई है कि आपने डिपार्टमेंट के अंदर पैसा जमा करा दिया, पैसा जमा कराने के बाद अब आप जो है ना कनेक्शन कर लीजिए, है ना, वो पहले क्या था, जलदाय विभाग लापरवाह है। लापरवाह तो क्या कहेंगे सर, ये लगातार नहीं करता, ये एक एक्सपेरिमेंट है सर, पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसके अंदर प्लम्बर्स को किया गया था कि प्लम्बर्स के अलावा कोई डिपार्टमेंट। मैं चलिए फिर से रुक करूंगा, एवी चौधरी जी कोटा से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते अश्वनी सर, बताएं सर, कोटा जैसे चंबल के क्षेत्र में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं लेकिन उनमें जो है फ्लोराइड की मात्रा है, नदियों के किनारे बसे हुए गांव यूरिया खोद खोद करके और पानी निकाल करके उसमें से लेकर के आ रहे हैं, इसका अगर समाधान करना चाहती है सरकार तो माननीय अटल जी जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी योजना थी नदियों को जोड़ने की। चलिए वो बहुत आगे की बात हुई चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। आसोफा साहब आपका रुख करना चाहूंगा, पहले भी शर्मा जी को हमने जो सुना उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हर बार मान लिया जाए कि सिस्टम में ये लूपहोल्स होंगे, लाइनें टूटती रहेंगी, लीकेज होते रहेंगे और दूषित पानी के साथ मौतों का सिलसिला भी हर बरस देखने को मिलेगा? देखिए इसका राज्य के स्तर पर कांग्रेस शासन के समय पोल्यूटेड वाटर पाइपलाइंस को बदलने का करीब 60 करोड़ का एनुअल बजट का एलोकेशंस चला करता था। अभी मेरी जानकारी में आया, मैं इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ कि उसमें काफ़ी बड़ा स्लैश हुआ है, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी बताने को नहीं है बट समथिंग अराउंड 30 करोड़ हो गया है। अब देखने वाली बात ये है, मनीष जी से जवाब लूंगा मैं इस पर, अगर मेरा टाइम पूरा हो गया तो। नहीं नहीं बिल्कुल मैं लूंगा जवाब, मैंने मनीष जी को अलर्ट किया है कि मैं इनफॉर्मल बोल रहा हूँ, कागज मैंने देखा नहीं है, मैं थोड़े दिन में
वो भी कंफर्म कर सकता हूँ, तो वो स्लैश हो गया। अब सवाल ये है कि आज हम खड़े हैं मई में, पिछले एक साल में इस तरह की जो वल्नरेबल पाइपलाइंस हैं, जो जेएंस को मालूम है कि मेरे यहाँ कंटामिनेशन की कौन सी पोल्यूटेड लाइन्स होती हैं, उनके लिए वो जो भी बजट उन्होंने कम किया उसमें से भी कितना खर्च हुआ, एक तो वो जवाबदेही बनती है। और अगले सालों में अब जैसे मान लीजिए ये हादसा हो गया, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि किसी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर को ये मालूम नहीं है कि मेरे हलके में कौन कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ की मुख्य पाइपलाइन पॉल्यूट हो सकती है। आपने जिन सर्विस कनेक्शन की बात की वो एक आइसोलेशन की बात, किरण माहेश्वरी जी को आपने सुना था, वो बोली कि जेडीए ने एक काम किया और लाइन टूट गई। मैं देखिए मैं आदर के साथ थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी की बात कही उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बात उठा रहा हूँ वो पूरे स्टेट की उठा रहा हूँ। यहाँ 500 बेहतर हैं, इक्का दुक्का कहाँ कहाँ हो रही है ये बात अलग है। अब मैं एक बात पे और आ रहा हूँ कि आप जयपुर के संदर्भ में ही ले लीजिए, एक बाईपास रोड कोई बननी है उसके लिए एक 21 लाख रुपए की लाइन जो भी है रिप्लेस हो रही है, लेकिन अमानी शाह के नाले में पता नहीं कितने किलोमीटर लाइनें डली हुई हैं और आप यहाँ बनाने जा रहे हो टाटा के माध्यम से वो द्रव्यवती नहर का जो वो नदी का, तो वो जब काम होगा तब आप मान के चलिए पता नहीं कितनी जगह लाइनें टूटेंगी। एक दूसरा स्मार्ट सिटी का जब काम होगा तब नई पानी की लाइनें डलेगी और नई सीवरेज की लाइनें डलेगी, और शहर के अंदर मैं बता दूं आपको, आप पारीख साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कि लगभग हर चैम्बर के आसपास से पानी की लाइनें पुरानी, सीवर लाइन भी पुरानी है और पानी की पाइप लाइनें भी पुरानी हैं। जब आप स्मार्ट सिटी का काम करोगे तो इतना डिफिकल्ट तरीके से वो काम एग्जीक्यूट होगा कि आपके न चाहते हुए भी पॉल्यूशन की संभावना। मनीष पारीख साहब जवाब दें, मैं ब्रेक पर जाऊंगा आपके जवाब के साथ। ये भी है कि जब वो स्मार्ट सिटी का काम होगा उस समय उनके फिलहाल मंत्री का गैर जिम्मेदार बयान था, वो बिल्कुल गलत है, साफ हुआ ही है। मैं तो कह रहा हूँ 60 करोड़ का पाइपलाइन कम कर दिया, जवाब ही नहीं आपका। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात, किससे हंसी आ रही है? पोल्यूटेड पाइपलाइंस की ये एक्सीडेंट है, एक मिनट पारीख साहब, ये रिटायर्ड एक्सीडेंट का कारण वही है पारीख साहब, क्यों नहीं हो सकता? एक सेकंड, ये रिटायर्ड एक्सीडेंट बेटे इनसे पूछिए पोल्यूटेड पाइपलाइन के रिप्लेसमेंट का हेड अलग है कि नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है, आप बताइए मिलता है कि नहीं मिलता है? जेडीए ने फाइनेंस का अलग हेड है यार, टूट सकती है कैसे? गैर जिम्मेदार तो हो गया, वो तो बात की बात है। नो नो, गैर जिम्मेदार बात ये नहीं है, आप सब्जेक्ट भी दूसरा है, 60 करोड़ सब्जेक्ट दूसरा है। जब बयान मंत्री का है कि जेडीए लाइन को तोड़ दिया, उस पर जवाब चाहूंगा मैं। नहीं टूट सकती, नहीं, कोई भी जेडीए हो चाहे कोई अथॉरिटी हो, अगर पाइप अगर वो खुदाई करती है तो उसमें इस तरह की संभावनाएं हैं, बात खत्म, हमेशा ही संभावना है। पाइपलाइन डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं, सवाल जिंदगी का है, लोगों का है, एक दिन में थोड़ी हो जाएंगे 500 बेहतर, वो एक ही लाइन है, मेन लाइन लगातार इस रहा था, लगातार डैमेज हो रही है, और जब और डिपार्टमेंट सो रहा है उसके बाद में उस जगह पे सो रहा है जहां मंत्री मुख्यमंत्री, अभी भी उसमें जंग लगी हुई थी भाई, जलदाय विभाग की जो लाइन है सूरत हाल की। ब्रेक पर जाएंगे, कालूराम जी आपसे वापसी करेंगे और जानना चाहेंगे कि ऐसे हालात में महकमे ने किस जिम्मेदारी को निभाया, सरकार ने क्या कुछ किया और क्या किया जाना चाहिए था ऐसे हालात में जब एक बच्ची की, 6 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, जब उसी राजधानी के आसपास कई बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचते हैं और चंद दिनों पहले एक विमंडित गृह में 12 बच्चों की मौत गंदे पानी पीने के कारण हो जाती है। पाइपलाइन नहीं है, हैंडपंप सब खराब पड़े हुए हैं, लेकिन जो नई योजना बनाई एक दिन में, महीने में एक दिन फिक्स लगाए पंचायत को, आज ये पता हो रहा है कल हैंडपंप खराब होगा, एक महीने इंतजार करो, जब तक तो जब पानी हैंडपंप सही होगा जब आएगी, जब तक गर्मी निकल जाएंगे, एक महीने बाद एक ग्राम पंचायत का नंबर आएगा। तो ये जो सिस्टम है ये अगर उच्च स्तरीय पर बैठे, राज्य स्तरीय पर बैठे जब जाके कोई काम चला है। मैं 40 रुपए 50 रुपए ले रहे कैंपर के, पीना तो दूर कुछ भी नहीं कर सकते उसका, मौत से जूझ रहे हैं।